अपने बड़बोलेपन और विवादित बयानों के लिए चर्चित पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर भारत के साथ परमाणु जंग का राग छेड़ दिया है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने हथियार तैयार रखे हैं और अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रशीद ने ऐसा बयान दिया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान वैश्विक राजनीति के समीकरणों पर बात करते हुए रशीद ने कहा कि आज चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा है, जबकि अपने नए दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, ईरान और रूस के साथ नया ब्लॉक बना रहा है। रशीद ने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके आगे रशीद ने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यह खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। हमारा हथियार कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पर है, असम तक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन जंग की गुंजाइश कम है। इससे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के भी परमाणु बम है जो किसी खास टारगेट पर मार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम भी हैं जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई गई थी।